नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मानसिक नपुंसकता या फिर साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने समझा था कि मानसिक नपुंसकता मतलब यदि व्यक्ति को एंग्जाइटी की वजह से इरेक्शन ना हो रहा हो, उसको हम लोग मानसिक नपुंसकता कहते हैं। एंग्जाइटी की वजह से हुआ इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर एंग्जाइटी की वजह से हुई नपुंसकता, इसका ट्रीटमेंट दो लेवल्स पे करना पड़ता है। पहला होता है कि हमें मरीज़ को समझाना पड़ता है कि ये होती कैसे है, उसको ये सिखाना पड़ता है कि एंग्जाइटी का रोल क्या है। हमें समझाना पड़ता है कि अगर एंग्जाइटी बढ़ेगी तो इरेक्शन कम होगा, अगर एक्साइटमेंट बढ़ेगी तो इरेक्शन बढ़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति जिसको मानसिक नपुंसकता है, वो सेक्स करने जा रहा है, तो उसका पूरा का पूरा फोकस पार्टनर की बॉडी पे होना चाहिए, क्योंकि पार्टनर की बॉडी मतलब एक्साइटमेंट। अगर उसका फोकस किसी तरीके से अपनी बॉडी पे जा रहा है, तो उसका मतलब इरेक्शन का लॉस। तो जिसको मानसिक नपुंसकता है, उसको पूरा फोकस पार्टनर पे करना है। अपनी तरफ अगर ध्यान थोड़ा सा भी जा रहा है, तो ध्यान को फिर से हटा के पार्टनर की बॉडी पे लेके जाना है। पहली बात तो ये। कई बार ये सब समझने के बाद भी पेशेंट इस चीज़ से आगे नहीं निकल पाता है, उसको दिक्कत बनी रहती है, उस केस में हम कहते हैं कि हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और मेडिकल ट्रीटमेंट के सहारे हम इरेक्शन के प्रोसेस को ईजियर बनाएंगे या इरेक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे। तो होता क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इंसान 5 बार 10 बार 15 बार नॉर्मल सेक्स कर पाता है, और धीरे धीरे वो जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आने लगता है, एंग्जाइटी कम होने लगती है। जब ऐसा हो जाता है तो 2-3 महीने के अंदर दवाइयों को कम करके बंद किया जा सकता है। तो जस्ट टू रिकैपिचुलेट, संक्षेप में फिर से बताने के लिए, पहला स्टेप इंसान को ये समझाना पड़ेगा कि एंग्जाइटी कैसे रोल प्ले कर रही है इरेक्शन ख़राब करने में, और दूसरा स्टेप अगर एंग्जाइटी बनी हुई है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के सपोर्ट से पहले सेक्स को नॉर्मलाइज करना, और धीरे धीरे करके उस सपोर्ट को कम करके बंद कर देना, ताकि इंसान बिना मेडिकेशंस के भी सेक्स कर पाए। तो दोस्तों, ये सेक्सुअल सॉल्व्स का जो प्लेटफॉर्म है, उसको हमने बनाया है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और इन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप भी साइंटिफिकली एक्यूरेट और मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।